विज्ञान और तकनीक के मामले में चीन ने खूब तरक्की की है। रूस, अमेरिका, जापान जैसे कई देशों को चीन ने तकनीक के मामले में पीछे छोड़ दिया है और अब अंतरिक्ष की दुनिया में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। इसी कड़ी में चीन के वैज्ञानिकों ने बड़ी कामयाबी के साथ कृत्रिम सूरज परमाणु संलयन रिएक्टर यानी आर्टिफिशियल सन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर को बनाकर दुनिया में दूसरे सूरज के दावे को सच कर दिखाया है। चीन ने दावा किया है कि ये ऐसा परमाणु फ्यूजन है जो असली सूरज से कई गुना ज्यादा ऊर्जा दे सकता है। अपने इस दावे की तरफ चीन ने एक कदम और बढ़ाया है और इस एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर से 120 मिलियन डिग्री सेल्सियस की ऊष्मा पैदा करने में कामयाबी हासिल की है। चीन के अनहुई प्रांत की राजधानी हेफ्यू में ये प्रयोग किया गया है। इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर सांग युनताओ ने बताया कि ये चीन की फिजिक्स और इंजीनियरिंग में बड़ी सफलता है। इस प्रयोग की सफलता ये तय करती है कि चीन जल्द ही अपना न्यूक्लियर फ्यूजन एनर्जी स्टेशन भी तैयार कर लेगा। चीन के इस कृत्रिम सूर्य के प्रयोग में 160 मिलियन डिग्री का तापमान और ऊष्मा पैदा हुई है। हालांकि ये सिर्फ 20 सेकंड के लिए था। इसे पावर सोर्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए रोशनी का देर तक टिकना बेहद जरूरी है। अभी चीन ने इसे फिशन यानी विखंडन का इस्तेमाल करके एटॉमिक एनर्जी बनाई है। अगर वो प्रोजेक्ट में अगले कदम के तौर पर फ्यूजन रिएक्शन का इस्तेमाल करेगा तो ऊर्जा 4 गुना ज्यादा पैदा हो सकेगी। हालांकि ये काम मुश्किल है क्योंकि फ्यूजन रिएक्शन को पिघलाना आसान नहीं होता। चीन अगर इसमें सफलता हासिल करता है तो ये फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करेगा और क्लीन एनर्जी का उत्पादन होगा। चीन की खबरों के मुताबिक चीन ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत साल 2006 में की थी। चीन ने कृत्रिम सूरज को HL2M नाम दिया है। इसे चाइना नेशनल न्यूक्लियर कॉरपोरेशन के साथ साउथ वेस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिक्स के वैज्ञानिकों ने मिलकर बनाया है। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य प्रतिकूल मौसम में सोलर एनर्जी को बनाना भी है। परमाणु फ्यूजन की मदद से तैयार इस सूरज का नियंत्रण भी इसी सिस्टम के जरिए होगा। चीन के इस प्रोजेक्ट के जरिए 150 मिलियन यानी 15 करोड़ डिग्री सेल्सियस का तापमान जनरेट हो सकेगा। पीपुल्स डेली की खबर के मुताबिक ये असली सूरज की तुलना में 10 गुना ज्यादा गर्म है, जैसा कि चीन के प्रयोग में उत्पन्न हुआ है। असली सूर्य का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इस खबर पर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 भारतवर्ष डिजिटल। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।